राधे राधे हरे कृष्णा। मूर्छा ज्ञानं प्रजारूपं वलिष्ठ कर्माणो गतिः विवेकं तुषामाशाद्य त्याज्य संसार वाशनम्। अर्थात ये जो संसार के मोह है, इस मोह को हमने, इस मोह ने हमें जकड़ के रखा है। हम ये चाहते हैं कि हम भगवान की पूजा करें, हम भगवान के नाम जप करें, हम भगवत कथा को श्रवण करें, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस संसार मोह माया ने हमें पकड़ के रखा है, हम इस मोह के अंदर फंस गए हैं। तो हमें इस मोह से बाहर आना है। इस जगत में वो मानव ही सुखी है जो निरंतर समय भजन करते हैं, निरंतर समय भगवान की चिंतन करते हैं, वही इस जगत में सुखी है। और जिसको भी हम देखते हैं जो भगवान के नाम जप नहीं करते हैं, जो भगवान के चरणों में नहीं है, जो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, वो इस जगत में दुखी है। तो हम अगर भगवान के चरण को पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक नाम जप। नाम जप करने से हमें जीवन में सुख मिलता है, नाम जप करने से हमें सम्मान भी मिलता है। अब देखोगे बहुत संत ऐसे हैं कि उनके पास परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार नहीं है लेकिन उनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, सम्मान भी है, और परिवार तो परिवार छोड़ो, हजारों हजारों परिवार है उनके पास। खुद के सगे बेटे नहीं है लेकिन बहुत सारे शिष्य हैं, वो अपने बेटे से भी बढ़कर है। ये सब क्यों है? क्या करने से? नाम जप, प्रभु के नाम जप, राधा नाम, कृष्ण नाम। आपको अगर ये सब पाना है, भगवान के चरण को पाना है, तो अधिक से अधिक आपको नाम जप करना है। आप अगर इस कली काल में, सुखदेव महाराज जी ने इस कलिकाल के मानव के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार किया है। इस कलियुग में ना ही ध्यान है, ना ही तप है। इस कलिकाल में भगवान के चरण को अगर पाना चाहते हो तो आपको एक मात्र ही उपाय है, भागवत कथा श्रवण करें, अधिक से अधिक प्रभु की चिंतन करें और नाम जाप करें। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर बैठकर आप पानी भी पी रहे हो तो राधा राधा नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो। आप चल रहे हो, कृष्ण नाम जप करो। कर्माणि वाचिक रस्ते, अर्थात आप कर्म कर रहे हो अपने हाथ से। ये तो नहीं कि आप, मान लो आप हाथ से काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, तो आप हाथ से झाड़ू लगा रही हो और मुंह में नाम जप, आप कृष्ण नाम जप कर रही हो। तो ऐसा तो नहीं कि आप मुंह से झाड़ू लगाओगे, झाड़ू तो आपको हाथ से लगाना है, मुंह से तो नहीं। तो क्यों ना हम मुंह से हम हरि नाम करें और हाथ से अपने कर्म को करें। तो भागवत में भी है कि कर्म ही बड़ा धर्म है, कर्म करने से सब कुछ मिलता है। कर्म करो और अधिक से अधिक नाम जप करो। प्रभु के चरण को पाने के लिए एकमात्र उपाय नाम जप। निरंतर नाम जप करते जाओ और देखना प्रभु की कृपा ऐसे बरसेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में क्या हुआ है, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। प्रभु की कृपा ऐसे आ जाएंगे, ऐसे हमारे श्री जी भी कृपा करेगी, क्योंकि वो तो करुणामयी है, वो तो करुणा के सागर है।
आप अगर राधा राधा नाम जप करती हो तो मेरे राधा रानी भी। शास्त्रों में तो ये भी कहा गए हैं कि अगर आप राधा नाम जप करते हो या जप करती हो तो कृष्ण को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कृष्ण नाम जप करने का कोई आवश्यकता नहीं। आप राधा नाम जप कर रहे हो तो जहाँ पे राधा है कृष्ण, मेरे गोविंद जी कहते हैं जहाँ राधा नाम है वहाँ कृष्ण है। राधा को अगर आपने पुकार लिया तो कृष्ण भी आपके पास दौड़ कर आएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के गुरु राधा रानी है, कृष्ण की शक्ति राधा है। अगर आप कृष्ण को पाना चाहते हैं तो उन शक्ति को आप पहले अर्चन कीजिए, राधा नाम जप कीजिए, तो देखना कृष्ण भी आपके पास दौड़ कर आएंगे। जीवन में सुखी होना है तो भगवान के नाम अधिक से अधिक नाम जप करें, उनके ऊपर विश्वास रखें तो जीवन में आप सुखी होंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।